हेलो जी, सत श्री अकाल जी। क्लेयर फैमिली ब्लॉग में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। किवें हो जी? ठीक हो जी? उम्मीद है जी ठीक होवोंगे, खुश होवोंगे, खुशहाल होवोंगे। तो आप वीडियो शाम तो स्टार्ट किया, शाम के बज चुके ने जी, 5:48 मतलब पौने से तो उपर का टाइम है जोड़ा हो चुके है। तो देखते सब्जी बनाने पहले किचन से चल देंगे। सब्जी अज बनाऊंगी अरबियाँ, उबाल के बनाऊंगी अरबियाँ। तो क्योंकि सुकिया मतलब जी सुकी सब्जी आ वो थोड़ी घट खाते नहीं, वैसे अरबी घट ही खाते ने, पर मैं बना लैनी हाँ। कोई होर सब्जी है नहीं सी, चलो जी अज अरबी नहीं आप सब्जी बनावे। तो चलो जी फिर वीडियो आप करते हैं कंटिन्यू। मैं सोचा भी पहला वीडियो मैं अपने फेस टू फेस जी स्टार्ट कर लैनी हाँ, थोड़े नाल गलबात करके वीडियो स्टार्ट कर लैनी हाँ। तो चलो जी बिच दी दो तीन दिन मेरा गैप रहा, वीडियो मेरे तो पाई नहीं गई। वीडियो मैं मतलब तैयार सी मेरी, किसी कारण वीडियोज़ दोनों डिलीट हो गई, पता नहीं की चक्कर पै गया, फोन शायद कोई प्रॉब्लम आ गई फोन दे विच। ते चलो जी वीडियो आप करते कंटिन्यू। वीडियो वधिया लगी तो वीडियो लाइक करके जायो जी, नवे हो तो चैनल सबसक्राइब कर लियो। तो कमेंट करके जरूर दस्या करो, तुसी कमेंट नहीं करके दसते जी वीडियो थोड़ा किमें लगते हैं, तो कमेंट करके प्लीज़ जरूर दस्या करो। चलो जी फिर चलते किचन च, तो वीडियो आप कर लें स्टार्ट। लो जी ये अरबियां ने, आप अरबियां चंगी तरह वॉश कर लें, फिर कुकर च पा के इन्हों आप उबाल लेंगे। फिर आप जो मसाला लें अपने अरबियां जिन्ने टाइम के उबलन गए मतलब, फिर आप उधर मसाला जोड़ा तैयार कर लेंगे। बाकी थोड़े बहुत कम हो रहे हैं जी वो कर लेंगे। तो लो जी आप इन्हू वॉश कर लें, इधर बर्तन ने जोड़े साफ करते मैं, तो जो आप पहले वॉश कर दें। आ गया पिंदरा। लो जी आप रख दी अरबी उबलियाँ, तो उबल जाने के इधर मसाला तैयार कर दें। लो जी इधर अरबियां उबाल के आपां कट लिया ने, ते नाल ही मसाला जिहड़ा कुंडे विच कुट लिया। तो आपने तो इधर मसाले ले ले, हिंग जीरा ते थोड़ी जी अजवाइन ली आ, ते जी आपां तड़का लावांगे। तो चलो जी इधर तेल आ जिहड़ा गर्म हो चुका है, जीरा हिंग ते अजवाइन हो जी चटक चुके ने, तो आप सुट दें मसाला। अज कैमरा मतलब फोन में हाथ से फड़िया हुआ, ट्राईपोर्ड से सैट नहीं किया। तो आप मसाला जरा चंगी तरह मसाले में भुन लें, उस तो बाद फिर आप अरबियां ने जो ऐड करा ये मैनू ज़्यादा जोड़े मसाले वाले अरबियां पसंद नहीं है, तो सुकिया सब्जी होंगी जी अरबियां ने मैं घट पसंद है जी, तो मैंने ये ग्रेवी वाली ज़्यादा पसंद है जी। तो लो जी इन्ना टाइम मसाला पक लैन, तो फिर आप पावे अरबियां। लो जी आप थोड़ा जो पानी ऐड कर दें, तो ये आप प्याज लहसुन हरी मिर्च टमाटर तो ये चीज़ा जी आप कुंडे च कुट लिया कट्ठिया ही सारिया। तो चलो जी आप हम मसाला पक दो अपना, तो फिर आप अरबी ये ढक दें आप। लो जी मसाला आप चेक कर लें, लो जी मसाला बन के तैयार है। तो आप ये अरबियां ऐड कर दें, जो आप ये हम पानी ऐड कर दें क्योंकि आप ग्रेवी वाली जी अरबियां बना रहे हैं। तो लो जी आप ये पानी ऐड करता, तो
चलो जी आप इन्हू ढक दें सब्जी बन जू अपनी तैयार बस उबाल आ जाए ग्रेवी थोड़ी जी होर गाढ़ी हो जाए तो आप थोड़ा जा पानी मतलब सुक जाए तो उदो बाद अपने क्योंकि अरबियां उबाल के रखी हुई सगिया तो लो जी आप इन्हू ढक दें चलो जी इधर आप आटा गुन्न लें तो उधर सब्जी बनती है अपनी सब्जी चेक कर लें लो जी देख सकते तुसी पानी काफी जो सुक चुके है तो सब्जी अपनी बन चुकी तो आप थोड़ी जी कसूरी मेथी ऐड करांगे क्योंकि इहदे नाल टेस्ट आ जिहड़ा वधिया आउंदा एक दो मिनट ही सेक लवावांगे आपां उस तों बाद गैस बंद कर दांगे लो जी सब्जी अपनी बन के होगी तैयार गैस आपां कर दिंदे आं बंद आपां ढक दिंदे आं सब्जी नूं बस रोटी रोटी रह गई बनाउणी रोटी जदों खाणगे उदों बना लांगे आटा आपां गुन्न के रखता लो जी सब्जी बन चुकी है तो फुलके बनाने मैं शुरू करते आप फुलके बना लें बना के खाना जो खवा लें टाइम नाल तो कुछ गल्लां ने जी जिहड़ियां मैं थोड़े नाल शेयर करना चाहुंदी हां काफ़ी दिनों तो मेरे मन के गल्लां ने कुछ थोड़े सवालों के जवाब ने जो कि तुसी कमेंट किए हुए ने गे तो देखते हैं इस वाले वीडियो दे विच शेयर करूँगी या फिर जिहड़ा इस तो नैक्सट वाला ब्लॉग होगा उस दे विच शेयर करूँगी ये जिहड़ियां गल्लां ने थोड़े नाल मैं तां करके शेयर कर दी हूँ क्योंकि जिहड़े मेरी वीडियो देखते हैं 18 तो 25 साल तक के वध देखते हैं मेरी वीडियो मतलब नौजवान जिहड़ी पीढ़ी है वो ज़्यादा मेरी वीडियो देखते हैं तो मतलब 80% जिहड़े नौजवान वीडियो देखते हैं मेरे मतलब मुंडे कुड़ियां तो उन्हां लई है जी ये वीडियो तो मेरे मन दे विच कुछ गल्लां ने जो कि मैं थोड़े नाल शेयर करना चाहुंदी हाँ तो मैं देखते इस वाले या फिर इस तो नैक्सट वाले ब्लॉग के शेयर करूँगी लो जी फुलके ने जोड़े बन के तैयार हो चुके हैं तो आप फिर खाना खवाने मतलब नाल दाल खाई भी जाते हैं मैं रह गई कलेर साहब तो कलेर साहब तो तुम्हें पता ही है चूरी खाते हैं तो लो जी इधर कपड़े ने जोड़े शाम ही वॉश हुए हैं मतलब नेरे वॉश किए ने मैं लो जी नैक्सट डे हो चुके तो कल वीडियो का मैं एंड नहीं कर सकी रात मतलब तो चलो जी अगला दिन हो चुके तो वीडियो के नाल बने रहो जी वीडियो पूरा देखियो तो अज मैं थोड़े नाल कुछ थोड़े कमेंट के जवाब दूंगी कुछ अपने बारे दसूंगी तो वीडियो अगे पूरा देखियो जी तो इधर मैं आ चुकी रूम के बैडशीट है जी बैडशीट झाड़ के बिछा दें तो फिर थोड़ा आप साफ सफाई करके फिर थोड़े नाल मैं अपन कुछ गल्लां सांझियां करूँगी जो कि आले दुआले अपने जो भी है ना दुखदाई घटना वापर रही ने तो उन्होंने लैके तो मन बहुत परेशान आते मैं सोचा फिर मेरा मन किया भी मैं शेयर करा
ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਆਪਾਂ ਝਾੜ ਕੇ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਆਪਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਬਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਂਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਸੁਬਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਲੌਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੰਡੂਆਂ, ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਗੰਡੂਆਂ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਗੰਡੂਆਂ। ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ, 2 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ, 4 ਜਣੇ ਆ। ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਲੇਰ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਨੀ, ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਸੁਖਦੀਪ, ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਦਰ, ਅਤੇ 4 ਜਣੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕੌਣ ਕੌਣ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਈਟ ਸੌਸ ਪਾਸਤਾ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਲੇਕਰ ਹੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਸਤਾ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਸੌਸ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਖੀਰ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਲੌਗ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਲੌਗ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਲੌਗ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਗ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਲੌਗ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਪ੍ਰੀਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਲੀ ਵਲੌਗ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਲੌਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਖੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਆ, ਗੌਰਵ ਸਭ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ, ਵਿਪਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਗੁੱਡੂ ਤਨਮੇ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਪਾਖੀ ਅਨਾਇਆ, ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗ ਡੇਲੀ ਦੇਖੀ ਦੇ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਵੀ ਵਲੌਗ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਡੀਅਰ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਵਲੌਗ ਪਾਉਣੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਕਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਰੂਟੀਨ ਵਲੌਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਓਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਊਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ 50-60 ਮਸਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਵਿਊਜ਼ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਹਾਸੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਨਕਾ ਤੁਨਕਾ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ
चैनल आ जिहड़ा मेहनत करियो जरूर ग्रो होगा क्योंकि मेहनत नूं ही फल मिलना। आपां मेहनत करांगे हो सके तां तुसीं, मैं तुहानूं इही कहिंदे, मैं तुहाडे क्योंकि वीडियो देखे ने ते तुसीं अपने वीडियो पाया करो, अपनी मेहनत जिहड़ी आ उही रंग लिआउंदी आ। मैं दुबारा फिर कहिंदी आ इह गल, तुसीं अपने वीडियो पाया करो, तुहाडा चैनल आ जिहड़ा जरूर ग्रो करूगा। बाकी होर कुछ नहीं कीता जी आपां चैनल ग्रो करन दे लई। ते चलो जी, इस सवाल का भी जवाब तुहानूं शायद मिल गया होगा। तो आप हुण गल कर देंगे थोड़ा एक ना, मैनू कई दिन तो मतलब आले दुआले जो भी कुछ हो रहा है वह बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। कई बच्चे ने जोड़े खुदकुशी कर चुके ने, मतलब मुंडे ज़्यादा ने गे, ये कई तो नेड़े तेड़े पिंड मुंडे खुदकुशी कर गए। तो मेरे बेटे के नाल मुंडा पढ़ता सीगा प्लस टू के, वो चीमा तो सीगा, चीमा मंडी बाबा संत बाबा हर सिंह जी जन्म स्थान है चीमा मंडी उतों सीगा। तो वह मुंडा भी खुदकुशी कर गया घर के नाल लड़के, तो वह भी हजे शायद भोग पिया नहीं है। तो फिर एक मुंडा इतने गंडूआ पिंड के अपने नाल भरा नाल लड़के, दोनों भरा माड़ा मोटा लड़ पे हो गए। तो भरा ने जाके एक ने खेत जाके फाहा ले लिया। बहुत ज़्यादा दुख हों जी जो ना 18 साल के या 20 साल के मुंडे जिस तरह खुदकुशी करते हैं, वह माँ बाप का फिर जगते कोई जीना नहीं होंगे है जिसे बच्चे पहला तुर जा, क्योंकि माँ बाप का सहारा तो बच्चे होंगे ने। जो बच्चे ना रह फिर माँ बाप का जगते जीना कुछ नहीं होंगे जी। तो आप यही कहने बच्चों नूं हाथ जोड़ के यही बेनती है भी जे कोई गलती होंगी सो तो या कोई गलबात तो अपने माँ बाप को जरूर दसो, क्योंकि माँ बाप को दस हर एक गल का हल है गा। ये नहीं है भी किसी गल का हल नहीं है, तो तुम इस तरह ना करया करो, जो भी गल होंगी अपने माँ बाप को दसो। तो माँ बाप को भी आप यही रिक्वेस्ट करते हैं भी अपने बच्चों समझो, बच्चों की गल ध्यान सुनो, तो बच्चे कभी भी गलत काम नहीं करते। बच्चों समझाओ बैठ के ये नहीं करना तुम्हें, है ना भी इतने अपना भला नहीं है, इतने अपना भला गा। तो बच्चों को समझाया करो, शायद बच्चे गलती करते नहीं है, कितने कितने माँ बाप की गलती भी है तो कितने ना कितने बच्चों की भी है, क्योंकि टाइम यह जी है जी बच्चे भी गलती कर जाते हैं। तो माँ बाप उन्होंने समझाओ, बच्चों यही है भी अपने जो भी कोई गल होंगी तो माँ बाप को दसो, क्योंकि बहुत दुख होंगे जो घर आके मेरा बेटा दसता भी अच्छ मेरे नाल मुंडा, मेरे नाल मुंडा पढ़ता से वह अच्छ खुदकुशी कर गया, जो किसी होर नेड़े तेड़े पिंड का मुंडा खुदकुशी कर गया, मेरा दोस्त सी। पर बहुत ज़्यादा दुख होंगे मन में, है ना, कई दिन मतलब चित्त नहीं लगा भी इस तरह बच्चे क्यों करते हैं। लो जी, अज बस मैं इन्ना ही कहना सीगा, तो थोड़े नाल इन्नी कु वीडियो मैं शेयर करनी सी। आप हुण वीडियो का भी इत्थे एंड कर देंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा वड्डा वीडियो हो जूगा तो वो फिर मैं कट वट भी बहुत ज़्यादा करनी पैंदी हैगी। तो चलो जी, फिर आप किसी होर वधिया जी वीडियो दे नाल मिलते हैं। तो मैनू दिओ जी इजाजत, सत श्री अकाल जी, हसते रहो, वसते रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो।